जो इस वक्त इलेक्शन हुए हैं, यकीनन हर पाकिस्तानी की इस बारे में एक बड़ी शदीद राय ये थी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ख़ास तौर पर माहौलियाती अहदाफ को भी अपने उन अहदाफ में शामिल करती और अपने उन नकात के अंदर अवामुन्नास के सामने में वो ढांचा रखती कि किस तरह इलेक्शन जीतने के बाद वो तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के अंदर ख़ास तौर पर माहौल की अहमियत को और आलमी जो दुनिया पर होने वाले इसके असरात हैं उसको किस तरह अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाएगी और किस तरह दुनिया के अंदर उन तमाम मुश्किलात का सामना करेगी। आपने 2022 में सैलाब आया, उस सैलाब से पाकिस्तान को जो तबाही मची और उस तबाही से होने वाले जो नुकसानात हुए, पाकिस्तान ताहाल उनका अजाला नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने जो COP28 के अंदर भी अपना मुद्दा पेश किया और वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से जो बात हुई उसके अंदर भी जो दुनिया ने पाकिस्तान के लिए फ़ंड जो है नामज़द किया, यकीनन वो जो है आटे में नमक के बराबर है। और दुनिया पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होने वाली मौसमी तब्दीली और उनके नुकसानात को ताहाल जो है वो हल करने के लिए अभी तक भी उनकी कोशिश जो है वो जारी व सारी है, लेकिन अभी तक कोई जो है उसका पॉजिटिव इस्पैक्ट सामने नहीं आ रहा। मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को जो ख़ास तौर पर इस वक्त मुंतखब होकर नुमाइंदगान कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में पहुँचे हैं और 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबाई असम्बलियाँ यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक अपना अलग मुकाम रखती हैं, तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर हमें पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो रीनेबल एनर्जी प्रमोशंस हैं उनकी बात करनी है, हमें प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स की बात करनी है, रीइंफोर्समेंट्स की बात करनी है, रीफॉरेस्टेशन की बात करनी है, क्लाइमेट चेंज की जो अडाप्टेशन का प्लान है हमने किस तरह हुकूमत पाकिस्तान की उन सबका पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ना है, और उन पॉलिसीज के साथ साथ ना सिर्फ इस वक्त जो होने वाले मौसमी तब्दीली पर असरात हैं उनके ऊपर अपनी जो है वो राय को लेकर आगे बढ़ना है ताकि वो ऐसी पॉलिसीज बन सकें जो अवामुन्नास को सही तौर पर इन तमाम नुकसान के अजाले से बचा सकें और पाकिस्तान जो हर साल कहीं ना कहीं मौसमी तब्दीली के शिकार होने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल कंडीशन रही है। 33.3 मिलियन लोग अभी तक उनको हम जो है सेफ प्लेसेस नहीं दे सके, उनको दोबारा उनके रोज़गार बहाल नहीं हो सके, बच्चों को जो है वो दोबारा से तालीमी मराकज़ की जानिब हम गामजन नहीं कर पाए, तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है तमाम सियासी जमातों के लिए। और मैं यहाँ पर तमाम जो है पार्टीज के मंशूर देख भी रहा था, उसमें वो वैल्यू नहीं दी गई एनवायरनमेंट को जो गुज़श्ता हुकूमत ने या उससे पहले दीगर अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह एनवायरनमेंट को एक वैल्यू दी जाती है, तो यकीनन पाकिस्तान के तमाम माहिरीन, पाकिस्तान के रेलिवेंट स्टेक होल्डर और पाकिस्तान के इस वक्त जो नौ मुंतखब मेंबर अराकीन है, अराकीन पार्लियामेंट है, अगर वो चाहे और अगर वो इसकी अहमियत को समझते हैं कि माहौलियाती तब्दीली और क्लाइमेट चेंज और इसके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम दूर दराज इलाकों से लेकर उन पसमानदा इलाकों तक, अगर हम उस पर काम करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाला जा सकता है। और इसके बाद फिर आलमी जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है उसके बारे में भी अगर हम अपनी पॉलिसी को बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें तो हम उन फंड्स के जरिए भी पाकिस्तान के इस गरीब और इन माहौल के शिकार जो इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है विक्टिम्स की, उनको भी हम जो है दोबारा रिहैबिलिटेट कर सकते हैं।